कायरा, हमारी इस हैप्पी लाइफ में किसी तीसरे की जरूरत नहीं। हमें ना अब कायरा को सब सच बता देना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जिधर भी आकाश ददलानी आता है उधर मजे ही आने वाले हैं। अभी ये सबको पता चल गया है बात। ओके, आकाश का जब भी नाम आता है एंटरटेनमेंट वो टैग जरूर आता है। बिग बॉस कितना मिस कर रहे हैं आप, बिग बॉस में आप जाने वाले थे बट ड्यू टू वर्क कमिटमेंट आप नहीं जा पाए। हाँ, एक्चुअली में बिग बॉस सीजन 12 में मुझे बुला रहे थे वाइल्ड कार्ड के लिए। द थिंग इज इट वाज टू मच ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस। मैंने बस इतना बोला, देखो भाई आकाश ददलानी एक रॉकस्टार है, आकाश ददलानी के लिए अपने गाने पहले इंपॉर्टेंट होते हैं, आकाश ददलानी के लिए पूरा इंडिया और गाना और रॉकिंग फर्स्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं टाइम पे निकल पाऊंगा मेरे शूट के लिए तो मैं आ सकता हूँ, नहीं तो नहीं आ पाऊंगा भैया। तो ये लोग का भी कुछ हुआ, मेरा भी कुछ हुआ, मैं नहीं आ पाया, बट इट्स ओके। मैं बिग बॉस सीजन 11 में था और आपको पता है ये साल भी होना चाहिए था, पर नहीं बोले इसको। आपको तो पता है मुझे छोड़ेंगे नहीं, अगर यहाँ नहीं तो वहाँ तो बुलाना ही है। सो हाँ, मैं गया था और अपार शक्ति की एनर्जी बहुत अच्छी थी और उसने बोला आकाश तेरी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हाई है। हम लोग पेट पेट पकड़ के हंस रहे थे और उन्होंने इतना फन किया। वी आर जस्ट हैड अ वंडरफुल टाइम, हैशटैग स्वैग ये ना वो, और टिकटॉक भी किया है, वो सुपर फन और अपार बहुत रॉकिंग था यार। ही जस्ट, वी हैड अ वंडरफुल टाइम विद हिम। ओके, बिग बॉस 11 की जो टीआरपी थी बहुत ही हाई थी, बहुत एंटरटेनिंग था, बट 12 इतना कमाल नहीं कर पा रहा है। इवन सलमान ने भी कहा है जो वो बार जो था 11 में कुछ अलग ही था, 12 का बट इतना नहीं। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो सीजन 11 एक बेंचमार्क बन गया है, एक्चुअल में ऐसा बेंचमार्क बन गया कि अभी लोग उसको बस कॉपी करेंगे। कोई किचन में है, कोई गाने बना रहा है, कोई ऐसे झड़ा कर रहा है, यू नो इट्स लाइक इट्स बिकम कोई मास्टर माइंड है, इट्स बिकम अ कॉपी। हम लोग का बेंचमार्क, हमने बेंचमार्क बना दिया अभी, तो अभी वही बेंचमार्क को वो लोग कॉपी करना चाह रहे हैं, पर वो लोग उतना भी नहीं कर पा रहे। मेरे हिसाब से बिग बॉस बहुत बोरिंग है, बस 50 दिन के बाद अभी थोड़ा फन होने को आया है एंड आई एम लाइकिंग इट नाउ। मेरे को बिग बॉस से बहुत प्यार है, सलमान भाई से बहुत प्यार है, अभी कंटेस्टेंट्स नहीं कर पा रहे, वो मेरी गलती नहीं है। बिग बॉस इज लविंग, आई लव सलमान भाई, आई लव कंटेस्टेंट्स नॉट डूइंग देयर जॉब, सो आई कैन नॉट हेल्प दैट यार। ओके, रिसेंटली श्रीसन ने बहुत ही एक कमेंट पास किया था करण के लिए, क्या बेहुदा खानदान करके, उसके लिए बहुत बहुत जन ने ट्वीट किया, गौहर खान ने भी ट्वीट किया है उसके बारे में। क्या कुछ भी हो एंटरटेनमेंट बट खानदान तक नहीं जाना है, पर्सनली नहीं जाना चाहिए, उसके उसका आपके ऊपर क्या टेक है? एक्चुअली खानदान का अगर आप इंग्लिश मीनिंग ढूंढो, वो कल्ट होता है, कल्ट मतलब फैमिली नहीं होता है। और सेकंड चीज़ है, उसने जाके उसने खुद सॉरी भी बोला, अगर आपको ये बात भी पता है, उसको पता चल गया उसने कुछ गलत बोला, उसने सॉरी बोला, देन अभी क्या बोलूँ और, सॉरी बोल दिया बंदे ने, वो चैंपियन है इंडिया का, T20 विनर हमारा, याद नहीं है आपको, श्रीशान रॉक्स ब्रो। ओके, 12 सीजन का सबसे एंटरटेनिंग कौन लगता है आपको? कोई भी नहीं, मैं अगर मैं होता मैं ही होता यार, मेरे को कोई भी एंटरटेनिंग लगता है, आपसे सॉरी झूठ नहीं बोलूंगा यहाँ पे बैठे। ओके, हु इज योर फेवरेट? माई फेवरेट इज रोमिल। मेरी मॉम बोलती है कि मैं इतना नहीं दिखता, मेरी मॉम रोज देखती है, पर मेरी मॉम एक रियल फॉलोअर है यार। वो बोलती है आकाश घर जैसे चलाना चाहिए और घर में जैसे बातें होनी चाहिए रोमिल जैसे होना चाहिए। तो रोमिल मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरे पत्ते लगे हुए हैं, कुछ मस्ती मत करना, तू जीत के निकलना भाई। अगर आप टॉप 3 में देखना चाहेंगे तो कौन रहेगा 3 कंटेस्टेंट? रोमिल, श्रीशांत और दीपिका। ओके, और एक कॉन्ट्रोवर्सी थी इसके अंदर बिग बॉस 12 में, जसलीन और अनूप जलोटा जो बहुत ही फेमस हो चुकी है। अनूप जलोटा फेमस या फ्लॉप हो चुकी है, आई डोंट नो। अनूप जलोटा ने बाहर आके रिवील कर दिया कि मेरा कुछ नहीं था रिलेशन, बट जसलीन अभी भी कह रही है कि नहीं मैं अभी भी प्यार करती हूँ, मैं रिलेशन में थी। तो क्या कहना चाहिए, आप पर्सनली भी उन्हें जानते हैं? हाँ, अगर आप देख रहे हो आप जिसे बैठे पीछे, यहाँ जसलीन ही रहती है। जसलीन एक बहुत वंडरफुल लड़की है, शी लुक्स कितनी अच्छी है उसकी, वो इतना अच्छा डांस करती है, इतनी अच्छी फिगर है, इतना अच्छा बात करती है। आई डोंट नो उसने ये टीआरपी के लिए या अनूप जलोटा के साथ रिलेशनशिप में, मैं ये समझ नहीं पाया, आई डोंट नो वाई। इतना सब कुछ हो के अलावा भी, और वो शो में अभी भी बोल रही है यार, वो बोल रही है कि अभी भी हमारा रिश्ता, और अनूप बार बोल रहा है कि कुछ भी नहीं है, तो ये पूरा गेम फ्लॉप निकला। आई एम सो सॉरी टू से जसलीन, तू बहुत अच्छी लड़की पर ये गेम फ्लॉप है। ओके, आप रिसेंटली एज ऑफ स्पेस पे भी गए थे विकास गुप्ता के साथ, हमने बिग बॉस 11 में देखा था कि बहुत नोकझोंक हुई आपकी और यहाँ पर बहुत ही उल्टा है, बहुत प्यार आप दोनों में देखा, तो क्या कहना है, कैसा एक्सपीरियंस था विकास के साथ? ये बहुत अच्छा लाइफ लेसन है पूरे इंडिया के लिए, दुश्मन भी दोस्त बन सकते हैं। देखो देखो विकास एक मास्टरमाइंड है, मैं हूँ किंग ऑफ टीआरपी, दोनों चीज़ को एक ही चीज़ चाहिए थी, मुझे मेरा प्रमोशन चाहिए था, उसको टीआरपी चाहिए थी। तो बोला आकाश तू आ जा, तू मेरा सेलिब्रिटी गेस्ट बन के आ, पर हम लोग घर को बोलेंगे तू वाइल्ड कार्ड एंट्री, तो ये लोग थोड़े डर जाए। मेरा गाना उसने प्रमोट किया और फिर मैं आया, हमने बोला मैं वाइल्ड कार्ड हूँ, और सबके कमरे में मुझे जाने मिला और एक डैगर कार्ड मिला, जिसके भी कमरे में दिया ये डैगर कार्ड लोगों को डिसएडवांटेज होगी।
तो मैं हर एक कमरे में गया, मैंने बातें बातें की, मेरे को पता चला किसके किसके साथ झगड़ा है, तो जिन लोगों का झगड़ा हो गया, फिजा और आकांक्षा का, नादिया और बाइशा का, कोई बाल खींच रहा है, कोई रो रहा है, कोई गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है, एक ने मग तोड़ दिया, एक लड़की ने 4 मग तोड़ दिए कॉफ़ी के साथ, घर गंदा कर दिया, घर को तोड़ने लग गया। ओ ब्रो क्या क्या हो रहा था मैं तुझे क्या बताऊँ। फिर एंडिंग में बताया आकाश तो बस एक गेस्ट था, और फिर सब तालियां मारने लग गया, और विकास भी बोल रहा आकाश पहले और कुछ था, आज सब लोग तेरी तालियां मारते। द थिंग इज द यूथ लव्स मी, और मैं एसो स्पेस और ज़्यादा देख रहा हूँ बिग बॉस से। आपको पूछ आपको पता है क्यों बोलता हूँ, सॉरी, मैं एसो स्पेस और ज़्यादा देख रहा हूँ बिग बॉस में। आपको बताता हूँ क्यों, उसमें बहुत सारे यूथ है और बहुत डिफिकल्ट शो है। बिग बॉस में आप सब जगह घूम सकते हो, एसो स्पेस में बस एक कमरे में बंद हो और वो कमरे के अंदर ही रहना पड़ता है। मेरे को 24 आवर्स में मेरा मेरे को ऐसा लगता है मैं पागल होते जा रहा हूँ, निकालो निकालो मुझे। वेरी डिफिकल्ट शो बट वेरी यूथफुल शो, वेरी फन शो, एटलीस्ट बिग बॉस से तो ज़्यादा फन मुझे लग रहा है एसो स्पेस। ओके, विकास को मिले तो कोई एक मेमोरी, कोई रिवाइव हुई जो बिग बॉस में थे, ऐसा कुछ शेयर करना चाहिए आप? हाँ, जब मैं ऐसे वाइल्ड कार्ड में आया था, मैंने बोला था यार क्या मजा आ रहा है मास्टरमाइंड के सामने आने के, वापस ऐसा लग रहा है पुराने दोस्त वापस आ गए हैं। सो अभी भी आप सब कनेक्टेड है, क्योंकि हमने बहुत सुना है कि बिग बॉस के बाद आने के बाद कोई किसी से कनेक्टेड नहीं रहता है, क्या ये सच है कि आप अभी भी कनेक्टेड है शिल्पा के साथ, आशी के साथ? हाँ, शिल्पा आज मैं मेरे घर पे आई थी, मेरे मॉम के साथ मैंने लूडो खेला, स्नेक एंड लैडर खेला, जूसेस पिए, खाना खाए, हम लोग 5 घंटे साथ में गेम्स खेले, और आरशी भी आई है, आरशी के साथ में भी मैंने शोरमा खाया था, बहुत फन लड़की थी आरशी भी, और आरशी के साथ मैं BCL टीम में भी था, और पुनिश और बंदगी की जो लोग साथ में रहते हैं, ये लोग के बंगले में इन्होंने लिया है, तो उधर भी गया था मैं चिल करने को ये लोग के साथ, तो बहुत फन था। और हितिन मेरे BCL टीम में था, तो उस गुड डीन चैक से बात ही होती रहती है, सबसे मिलता नहीं क्योंकि सब अपने कामों में बहुत बिजी रहते हैं, बट फेयर से जितना आका दलाई ट्राई कर सकता है उतना ही कर सकता है, उसके ज़्यादा तो नहीं, पर हाई हेलो में सब ट्राई करता हूँ। ओके, डीन चैक पूजा की बात की तो बहुत पहले ऐसी खबर थी कि यू एंड पूजा डीन का ये आप बिना डूइंग दिस क्वेश्चन, डीन चैक से कभी कुछ ऐसे कुछ बात हुई नहीं ना, मैंने कभी उस पर बात किया ऐसी खबर थी। हाँ, पर बिग बॉस 11 में मेरी बहुत अच्छी दोस्ती डीन चाय पूजा, मैंने डीन चाय पूजा को इतना बोला, देख डीन चाय अगर तेरे को कभी मेरे साथ कुछ काम करना होगा मैं भी तेरे को कभी ना नहीं बोलूँगा, बट द थिंग इज तेरे को ट्रोल बनना जरूरी स्टॉप करना होगा। ऐसा तू प्रोजेक्ट बना कि पूरे पूरे लोग को एक थप्पड़ मिले, बोले वाह डीन चाय ने क्या कर दिया है। उसको मैंने बोला देख मेरा म्यूजिक टीम देखो दे सकता हूँ, मेरा डायरेक्शन टीम देखो दे सकता हूँ, बट यू हैव टू डू अ गुड प्रोजेक्ट, पर वो रेडी नहीं है, वो अपने खुद के उसमें लगी है, बट शी इज अ गुड गर्ल, बट डी चाय पूजा बहुत अच्छी लड़की है, बस इतना बोल सकता हूँ, शी इज़ गुड पर्सन। हाँ, वो एक दिन जब भी रेडी होगी कुछ बड़ा करने को, मेन स्ट्रीम करने को, मैं उसको ज़रूर मेरा टीम का सपोर्ट दूंगा, मैं भी सपोर्ट करूंगा, पर अभी के लिए वो अपना फन ट्रोलिंग कर रही है, तो लेट हर एंजॉय हरसेल्फ। ओके, आपके बहुत ही जल्द एक नया एल्बम आने वाला है, उसके बारे में कुछ बता सके तो? देखो, आपको पता है बैंक में कितना बड़े लेवल में आया था, जिधर महेश भट्ट जी ने विनय भारद्वाज के थ्रू मुझे बुलाया था और बैठा है गोद में, बोला आकाश ये कितना अच्छा प्रोजेक्ट है, बैंग बैंग साथ में उन्हें गाया भी और ट्वीट भी किया मेरे लिए, तो उससे मैं नीचे नहीं जा सकता, आपको तो पता ही है। और ना क्या बड़े प्रोजेक्ट में टाइम लगता है, आप देखते हो सलमान भाई लोग की मूवीज़ में साल में एक एक आते हैं, क्यों आते साल में एक एक, मेरा भी गाना हर एक 4-4, 5-5 महीने में क्यों आता है, हर एक 3-3 महीने में क्यों आता है, क्योंकि आई टेक माई टाइम, हर एक चीज़ 100% परफेक्ट होनी चाहिए जिसे दर्शक और जो जनता इन्जॉय करे। तो बस अभी आ रहा है मूव योर बॉडी, हम लोग शूट कर रहे हैं मॉरिशस में, इट्स गोना बी फन, देयर इज गोना बी डांसिंग, मैं हूँगा लड़कियों के साथ डांस कर रहा हूँ, सब इन्जॉय कर रहे हैं, जो पार्टीज टीनेजर्स करते हैं इंडिया में वो ही आपको मैं दिखाने वाला हूँ जो होता है लाइफ में। ओके, कब तक कंप्लीट हो जाएगा पूरा, कब तक लोगों तक पहुँचेगा? हाँ, गाना पूरा कंप्लीट है, मिक्स एंड मास्टर्ड भी हो गया है, एवरीथिंग इज डन, बस अभी शूटिंग बाकी है, शूट के बाद आपको बहुत जल्दी टीवी में दिखेगा, यूट्यूब में दिखेगा, जिधर आप चाहते हो आपको सब जगह दिखेगा। ओके, अदर देन दिस एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट यू लाइक टू शेयर विद अस? हाँ, दिस इज इट, मूव योर बॉडी 2019 में और टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर सब बोलेंगे एक ही चीज़, मूव योर बॉडी, सब मूव योर बॉडी करेंगे, इट्स अ वेरी डांस फन नंबर और वेरी विजुअल आर्ट है। देखो बैंग बैंग का तो म्यूजिक मत सुनो, वर्ड्स मत सुनो, विजुअली देखो, हम लोग विजुअल आर्ट क्रिएट करते हैं, आई लाइक टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा विजुअलाइजिंग थिंग्स, और लोग को दिखाने को अच्छा लगता है, देखो क्या 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 होता है, सो आई लाइक टू, इट्स कॉल्ड विजुअल आर्ट, आई एम द किंग ऑफ विजुअल आर्ट एंड अ रॉक स्टार एज वेल। ओके, फाइनली व्हाट यू लाइक टू गिव एनी मैसेज टू योर फैंस इन योर स्टाइल? यस, मैं मेरे स्टाइल में मैं बस जनरली ये हमेशा मैं साल भर यही बोलता हूँ और रोज़ यही बोलूँगा, देखो गाइस बी पॉजिटिव,
नेगेटिव मत सोचो, अच्छा ही होता है। जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिव लोग हैं उसको साइड में कर दो। और मॉम एंड डैड मेरी बात सुनो, देखो मेरे को डैड नहीं थे और मेरी मॉम बहुत बिजी थी, तो मेरा बात अलग है, मैं अलग इंसान हूँ, मेरी चीज़ें अलग चलती है। पर आप लोग एटलीस्ट सपोर्ट करो अपने बच्चे लोग को यार, थोड़ा आप लोग सपोर्ट करोगे तो वो लोग आगे भी बढ़ेंगे। सो प्लीज़ मॉम एंड डैड, दादा दादी, नाना नानी, अपने बच्चे लोग को सपोर्ट करो, क्योंकि आपकी सपोर्ट की वजह से ही ये लोग आगे बढ़ पाएंगे। आई लव यू इंडिया एंड इंडिया रॉक्स।